एमपी सच में ही अजब है। इसका जीता जागता उदाहरण विदिशा से सामने आया, जिसे देखकर और सुनकर हर कोई हैरान है। उन्नारसी कला ग्राम की सुशीला बाई को कागजों में पंचायत सचिव ने मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, चौंक गए ना आप, ये सच है। पीड़ित महिला खुद के जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रही है। पति और 4 साल की बच्ची के साथ महिला अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रही है। मैं आपका और कहाँ रहती हो? मेरा नाम है सुशीला, उन्नारसी कला रहते है। क्या हुआ है? मुझे मृत्यु घोषित कर दी किसने? पंचायत भवन वाले ने। सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है कुछ? नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला। ये जो मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत योजना चलाई थी, उसमें आपको लाभ मिला है? नहीं मिला लाभ। पंचायत से और भी कोई लाभ मिले हैं? कुछ लाभ नहीं मिला। क्यों? मुमारी हुई घोषित कर दी, कुछ लाभ नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आप? एक लड़की है, 4 साल। पति क्या करते हैं? खेती करते हैं। क्या नाम है पति का? राम कृष्ण। कागजों में महिला को मरा हुआ घोषित कर दिया गया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई सरकारी योजनाओं से वो वंचित हो गई है। लाडली बहना योजना का लाभ लेने से भी ये रह गई हैं। 27 साल की सुशीला को अपनी जिंदा होने का सबूत देकर दर दर घूमना पड़ रहा है, जिसके चलते उसके घर वाले भी परेशान हैं। कहाँ रहते हो, क्या मामला हुआ है? मेरा नाम है घनश्याम सिंह कुशवाहा, रहने वाला हूँ उन्नारसी कला का। और ये सुशीला बाई है, ये मेरे पुत्र वधू है। 2 साल पहले 2020 में आशे वाली ने इसको मृत घोषित कर दिया है। जब हम लाडली बहना का फार्म भरवाने पहुंचे, जब हमें पता चला तो उसे लाडली योजना का भी लाभ नहीं मिला, और डिलीवरी होने वाली है 1.5 महीना में, तो उस लाभ से भी ये वंचित रहेगी। कहाँ कहाँ शिकायतें की है इस मामले को लेकर? हम 6-7 महीने से जो है पंचायत में ही पहुंचे हैं, पंचायत सेक्रेटरी के पास, और जो वर्तमान सेक्रेटरी है उसने प्रयास भी किए हैं, लेकिन वो नहीं जोड़ पा। महिला सुशीला को ग्राम पंचायत के समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया गया। महिला के पति ने सचिव आसिफ खान पर आरोप लगाया है। संबंधित अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वही मामले में एसडीएम निकिता तिवारी ने हैरानी जताई है और सचिव के खिलाफ एक्शन के साथ ही 3 दिन में जाँच का भरोसा दिया है। ये सुशीला भाई पत्नी रामकृष्ण कुशवाहा निवासी उन्नारसी कला के द्वारा आज हमको एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात का लेख किया है कि पंचायत सचिव के द्वारा उनको मृत बता दिया गया था। उनकी आईडी में स्वर्गीय सुशीला भाई लिखा आ रहा था और इस कारण वो लाडली बहना का फॉर्म नहीं भर पाई है। इस संबंध में अभी मेरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से बात भी हुई है और हमने इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 3 दिवस में जाँच करके रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा। तो देखा आपने सरकारी सिस्टम का कमाल, एक जिंदा महिला को खुद को जिंदा साबित करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लिहाजा एसडीएम ने महिला को भरोसा दे दिया है। अब देखना होगा कि सुशीला बाई के साथ कब न्याय हो पाता है। पंजाब के सीटीवी के लिए विदिशा से अमित रैखवार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।